हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे फायर अलार्म। आप इसे किसी भी साइंस प्रोजेक्ट या स्कूल में बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आपके पास ये एक नियॉन बल्ब चाहिए। दोस्तों ये थोड़ा काला हो गया है, मैं इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसलिए ये थोड़ा काला हो गया है। और दोस्तों आपको ये बजर चाहिए। ये सभी दोस्तों आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों ये 9 वोल्ट का बैटरी है, और ये दोस्तों इसका कनेक्टर है बैटरी का। तो चलिए हम लोग फायर अलार्म बनाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कार्डबोर्ड है, मैं इसको इस तरह से काट लिया हूँ। तो चलिए इसको हम चिपका लेंगे। पहले तो हम इसको बॉक्स टाइप का बनाएंगे और उसी में हम बनाएंगे फायर अलार्म। तो चलिए इसको ग्लू गन की सहायता से अच्छे से चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं एक तरफ से चिपका लिया हूँ। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ से भी इसको चिपका लूँगा ग्लू गन से। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने दूसरे तरफ से भी चिपका लिया हूँ और पीछे भी इस तरफ से हम लगा देंगे। तो चलिए इसको भी चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सब चिपका लिया है और अभी दो तरफ से ये चिपकाना है, इसे हम बाद में चिपकाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें 9 वोल्ट के बैटरी को चिपका लेते हैं ग्लू गन से ही। ये देखिए मैंने बैटरी को चिपका लिया हूँ और मैं अब इसके ऊपर कनेक्टर लगा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कनेक्टर लगा लिया हूँ। तो अब दोस्तों, अब हम इस कार्डबोर्ड में हम छेद बनाएंगे जिससे कि जो नियॉन बल्ब है हम उसे लगा सकते हैं। तो चलिए छेद कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नियॉन बल्ब लगा लिया हूँ और मैं अब इसको अच्छे से ग्लू गन की सहायता से चिपका लूँगा कि जिससे कि ये बाहर गिरे ना कहीं। तो ये देखिए, ये चिपक गया है अच्छे से। तो चलिए इसको भी अब चिपका लेते हैं ग्लू गन की सहायता से। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आगे से भी चिपका लिया हूँ और ये अब हम इसमें बजर लगाएंगे। तो चलिए इसको भी हम छेद कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं इसे भी लगा लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम तार को सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों तार को सोल्डिंग करने के लिए जो बैटरी का माइनस वाला है, मैं उसको बल्ब के एक तार एक में सोल्डिंग कर लेता हूँ, और जो बैटरी का जो प्लस वाला है और वो बजर का प्लस वाला है, मैं उसको एक में सोल्डिंग करूँगा इस तरह से। ये देखिए, और दोस्तों एक जो दूसरा तार है वो बजर के दूसरे सिरे से हम सोल्डिंग करेंगे और उसको डायरेक्ट बल्ब के दूसरे सिरे पे सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, इसका वायरिंग बहुत ही आसान है दोस्तों। आप इसे साइंस प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो पक्का जीतने का संभावना है। तो ये देखिए, ये मैं बना लिया हूँ और अब हम इसे भी चिपका लेते हैं ऊपर से। तो अब हम इसे चला के चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे चेक करने से पहले हम आपको एक ऐप के बारे में बताएंगे, वो स्टडी ऐप है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये डाउटनट ऐप है। आप अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के में बहुत कमज़ोर हैं तो ये आप लोग के लिए है। आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आप इसमें किसी भी सवाल का इस तरह से फ़ोटो खींचिए और उसको फाइंड अच्छे से क्राफ्ट करके उसको फाइंड सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इसका व्हाट्सअप नंबर भी है, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चेक करते हैं अपने अलार्म को। तो चेक करने के लिए दोस्तों मैं एक मोमबत्ती लूँगा, इसको मैं जला लेता हूँ मोमबत्ती को। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें से बहुत ही अच्छे से साउंड निकल रहा है, बहुत ही अच्छे से आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में।